देखिए, एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंड्स, और फंड्स हमें दो तरीके से ही मिल सकते हैं, या तो डेट की फॉर्म में लोन लें हम, या इक्विटी की फॉर्म में। डेट की फॉर्म में हमें बैंक से फंड्स मिलते हैं, तो गवर्नमेंट की भी बहुत स्कीम्स हैं। अप टू 5 करोड़ की स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर हमें सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। 5 करोड़ से ज्यादा जाए तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है बैंक से, जिसका एक्सेस सबको नहीं मिल पाता। तो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है इक्विटी। इक्विटी के लिए या तो आप एंजल इन्वेस्टर्स, HNIs या VC फंड्स के पास जा सकते हैं, बट उसके अंदर एक इशू है कि फंडिंग मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, और दूसरा वो बोर्ड पे पोजीशन लेते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है कंपनी पे। बट अब एक जो नया प्लेटफॉर्म आया है SME IPO, इसके अंदर आप इजिली फंडिंग उठा सकते हैं मार्केट से। इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स, HNI और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये तीनों इन्वेस्ट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी से भी लोन लेने जाए, फॉर एग्जांपल आपको 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, सबसे पहला आपका आता है ब्याज। ब्याज 10-12% लगता है आज की रेट में, मतलब 1 करोड़ रुपए का आपको ब्याज ही देना पड़ जाएगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल आपको कभी ना कभी वापस करनी है, चाहे 5 साल है, 10 साल है, तो जो 10 करोड़ रुपए वो आपको वापस करनी है। तीसरा, लोन आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं, कोई ना कोई सिक्योरिटी, कोलैटरल या पर्सनल गारंटी भी मिलता है, तो एक वो भी इशू है। अब इन तीनों को SME IPO कैसे सॉल्व करता है मैं आपको बता दूं। जब आप फंड रेज करते हैं इक्विटी डाइल्यूट करके, तो ना आपको इंटरेस्ट पे करना है, ना प्रिंसिपल पे करना है, ना आपको कोई सिक्योरिटी देनी है। हाँ, आपका जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो गया, और वो भी 25% तक होता है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक आपके पास रहता है, कंट्रोलिंग आपके पास रहती है कंपनी की, वो डाइल्यूट कहीं नहीं होती है। बट हाँ, आपको इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको बस अपनी कंपनी की ग्रोथ पे फोकस करना है कि रेवेन्यू कैसे ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो, और बाकी सब काम शेयर मार्केट अपने आप कर लेती है।